व्हाट इज़ अप गाइस, क्या चल रहा है गाइस। दो तीन हफ्तों में हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। हमारे एप्पल भैया कुछ नए नए लॉन्चेस करने वाले हैं, जिससे डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा। तो सब कुछ बताया जाएगा आपको इस वीडियो में, एंड तक देखना इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, कल ही एप्पल ने अपना एक लॉन्च इवेंट रखा था। मैंने वो लॉन्च इवेंट देखा था यूट्यूब पे, जिसमें उसने काफ़ी नए नए अपडेट्स किए थे, नए नए कुछ प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए हैं। और दूसरी बात, उसका इंट्रो इतना ज़्यादा सेक्सी बनाया था ना यार, इतना मस्त इंट्रो बनाया था, मैं मज़ा आ गया देखने का। तो इसमें एप्पल वॉच SE, एयरपैड एयर, ये सब लॉन्चेज हुए हैं। आईफोन लॉन्च नहीं हुआ है, थोड़े दिनों में शायद लॉन्च हो सकता है। तो आपको बताते हैं क्या क्या मिलेगा आईफोन 12 में। अगर आप प्लान कर रहे हो आईफोन 12 लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी ह्यूमर नहीं है। आई थिंक सब कुछ साफ सामने आ गया है कि इसमें आईफोन 12 में, 12 प्रो मैक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा और इसकी प्राइस क्या रहेगी स्पेशली इंडिया के लिए। चलो ऐसा करता हूँ, आपको ना एक गुड न्यूज़ देता हूँ कि इस बार का आईफोन 12, 12 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स स्पेशल एडिशन, इस बार का आईफोन इंडिया के लिए बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बार की आईफोन की प्राइसिंग इंडिया के हिसाब से होगी, या यूँ कहें सस्ता मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। एप्पल इस बार 3 से 4 फ़ोन लॉन्च कर सकता है, जिसमें आईफोन 12, 12 प्रो मैक्स, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स स्पेशल एडिशन, ये सब फ़ोन लॉन्च कर सकता है। और जो आईफोन 12 की स्क्रीन होगी, वो आईफोन 11 के कंपैरिजन में भी काफ़ी इम्प्रूव्ड होगी। स्क्रीन से आता है यार, नॉच का क्या होगा क्योंकि अब सिर्फ एप्पल ही बचा है जिसकी नॉच इतनी लंबी है। अब या तो एप्पल नॉच को पूरी तरह हटा देगा, या फिर वैसा का वैसा ही रखेगा। क्योंकि जो एप्पल है ना, वो वीवो और ओप्पो की तरह ऐसा नहीं करता कि हाँ छोटी नॉच कर दी, बड़ी नॉच कर दी, बिंदी नॉच कर दी, इधर नॉच दे दी, टिका नॉच दे दी, ऐसा नहीं करता। या तो पूरा आपका पूरा हटा देगा, या फिर वैसा का वैसा ही रखेगा। कैमरा का लेआउट गाइस, इस बार भी आईफोन के कैमरे का लेआउट वैसा ही होगा जैसा पुराने का था, नारियल के जैसा, जिसमें 3 कैमरे लगे हुए। हो सकता है 4 कैमराज आ जाएं, लेकिन ये भी मुश्किल है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पे 3 कैमरे ही आपको मिलेंगे। एक इसमें एक लेंस ऐड हो सकता है लाइडार। लाइडार क्या होगा कि आपको फोकसिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपको मिल सकता है, ये सिर्फ आपके जो प्रो और प्रो मैक्स वेरियंट होंगे उन्हीं में मिलेगा, लोअर वेरियंट होंगे उनमें शायद नहीं मिलेगा। उसमें शायद आपको डुअल कैमरा ही मिलेगा जैसा पहले में मिलता था। और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट जैसे पहले मिलती थी, इस बार आपको नहीं मिलेगी। रीज़न बिहाइंड की बैटरी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन स्क्रीन का रिफ्रेश रेट आपको कम दे दिया है। पहले की आईफोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था, इस बार कम कर दिया है उसको, क्योंकि बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होती है। 5G, इस बार का आईफोन आपको 5G चिपसेट के साथ मिलेगा, जो बायोनिक A14 का है। अब बायोनिक A14 बहुत ही फास्ट है, तो इस बार का एप्पल का प्रोसेसर में आपको 5G मिलेगा, लाइडार का सेंसर भी मिलेगा। और गाइज, एक छोटा सा अपडेट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वो नीचे लाइक का बटन होगा वो दबा दो, और इधर सब्सक्राइब का बटन होगा वो भी दबा दो। और गाइज, अब आ सकता है एप्पल में वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम। पहले एप्पल में वायरलेस चार्जिंग तो थोड़ो फास्ट चार्जिंग मिल जाती, वो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब फास्ट चार्जिंग तो मिलेगी, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इससे आप अपने एयरपॉड चार्ज कर सकते हो, अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि एप्पल अब धीरे धीरे अपने फ़ोन्स में सब कुछ डालने लग रहा है, जो सही भी है। स्क्रीन अच्छी डाल दी, कैमरा अच्छा हो गया, बैटरी अच्छी होगी, आईफोन का लोगो अच्छा हो गया, अब क्या बचा है। इस बार के आईफोन के डब्बे में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आईफोन का आधा प्राइस उसके चार्जर, उसके डाटा केबल, उसकी एसेसरीज़ का ही होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए एप्पल ने क्या स्टेप लिया है कि अपने फ़ोन के साथ वो चार्जर और एसेसरीज़ नहीं देंगे। जो लोग पहली बार फ़ोन को ख़रीदेंगे उनके लिए, लेकिन जो पहले भी आईफोन यूज़ करते हैं और जो नया अपडेट लेना चाहते हैं आईफोन का, उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात, क्योंकि उनको ऑलरेडी आईफोन का चार्जर उनके पास होगा। और गाइस, दूसरी बात यह कि ज़्यादातर फ़ोन के चार्जर उनके डब्बे से निकलते भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, ओके है कि अगर फ़ोन का प्राइस कम करना है तो उसको अलग से सेल कर दो, जो काफ़ी सस्ता मिलेगा। आपको समझाता हूँ, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके जो आईफोन की प्राइसिंग है वो ज़्यादा होती है, और उसको ओवरकम करने के आपको फ़ोन के डब्बे में चार्जर और एसेसरीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जब फ़ोन बाहर से इम्पोर्ट होता है
ना इंडिया में, तो उसमें ड्यूटी लगती है, टैक्सेस लगते हैं, फोन में अलग टैक्सेस लगते हैं, चार्जर, एसेसरीज, डाटा केबल, उस पर अलग टैक्सेस लगते हैं। अब जब फोन बिना चार्जर के आपको मिलेगा तो उसकी जो टैक्सेस है, ड्यूटी है, वो नहीं लगेगी, तो फोन आपको ऑलरेडी 4-5 हज़ार सस्ता मिलेगा। आईफोन का एक अपना प्लांट हमारे बैंगलोर में ही ओपन हो गया है, जहाँ पे हायरिंग चल रही है, तो वहाँ पे आईफोन असेंबल होगा, उस वजह से आईफोन का प्राइस 9 से 10 हज़ार रुपये सस्ता मिलेगा हमें, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो यही सब स्टेप्स जो आईफोन ने लिए हैं अपने फ़ोन को सस्ता करने का, स्पेशली इंडिया के लिए, मुझे ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी, क्योंकि कोई एक बड़ी कंपनी अगर हमारे इंडिया के लिए एक अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपने जो महंगे सिस्टम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको सस्ता करने के लिए इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती है हमारे सिर्फ इंडिया के लिए, तो मुझे एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी है। और जो मैंने बताया आपको चार्जर वाला सिस्टम, वो होके ही रहेगा। अब आप देख लेना कि दूसरे जो कंपनीज है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सारे अपने फ़ोन के साथ चार्जर आपको नहीं देंगे, देख लेना, ऐसा ज़रूर होगा आने वाले टाइम में। और मेरे ख्याल से ठीक भी है, क्योंकि हम लोग जब नया फ़ोन लेते हैं तो उसका चार्जर डब्बे में ही पड़ा होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पुराना चार्जर ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, और अमेजोन के एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत फ़ायदा ले सकते हो, आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल सकता है उसमें। तो इतना ही था इस वीडियो में, आपसे अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।